हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट 2024 के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 8 है जो कि आपके जूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का, जो कि एनिमल किंगडम का 8th फाइलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम मोलस्का, इट इंक्लूड्स द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या था एनिमल किंगडम का? फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। जो इनका हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक में दो तरीके से, मैरीन डीप ओशियंस के अंदर और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे शोज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल हैज बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एज देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम अ सिंगल प्लेन। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एज देयर एम्ब्रियो कंटेन थ्री जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सीलोमेट एनिमल्स। बिकॉज व्हाई दे आर नोन एज सीलोमेट एनिमल्स? बिकॉज दे हैव प्रेजेंट ट्रू बॉडी कैविटी। Next point, that is the most important point from the examiner point of view, that is body is covered by a calcareous cell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. जो इनकी body होती है वो किससे cover होती है? Calcareous shell से, जो कि किसका बना होता है? Calcium carbonate का। और इनकी body अब क्या है? Unsegmented है, इनकी body में कोई segmentation नहीं है। बट थ्री डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं इनकी बॉडी में। फर्स्ट रीजन इज हेड, नेक्स्ट इज मस्कुलर फुट एंड थर्ड इज विसरल हम। जो हेड रीजन होता है वहां इनके पास क्या होते हैं? आई का स्ट्रक्चर होता है एंड ब्रेन होता है। मस्कुलर फुट इनका किस काम में हेल्प करता है? फंक्शन होता है मस्कुलर फुट का मूवमेंट कराने में और लोकोमोशन कराने में। विसरल हम वो एरिया होता है जहां पर इनके विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. अब एक क्या होता है? एक layer होती है skin की, soft और spongy layer होती है skin की, जिसे हम क्या कहते हैं? Mantle। और वो कहाँ होती है? Over the visceral hump. Next point, the space between the hump and the mantle is called mantle cavity. एक space present होता है between the hump, hump और mantle के बीच में जो space present होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Mantle cavity बोलते हैं। और वहां पर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। दैट इज फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनके पास, स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ गिल्स होते हैं। दैट इज फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अब इन फेदर लाइक गिल्स के बहुत ही ज्यादा टू इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज फॉर रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज फॉर एक्सक्रीशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं फिगर। देखिए, एज यू सी इन द फिगर, इन द लास्ट मेंट एरिया पोर्शन हेयर फेदर गिल्स आर प्रेजेंट एंड फेदर गिल्स हैव टू मेन फंक्शन, दैट इज रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, द एंटीरियर हेड रीजन हैव सेंसरी टेंटिकल्स। कुछ कुछ मेंबर्स के पास क्या होता है? इनके सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं एंटीरियर हेड रीजन में, जो कि सेंसिंग पावर करते हैं फॉर कैप्चरिंग और फीडिंग पर्पजेज, फॉर प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, इनके पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? एनस पे। तो माउथ के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है किनके अंदर? इन मोलस के मेंबर्स के अंदर। उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि क्या है? रेड्यूला। और ये इस फाइलम की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास क्या होता है? एक फाइल लाइक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड्यूला। तो द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। किस लिए? चबाने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? हम रेड्यूला बोलते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? डाइशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल। नेक्स्ट, दे आर ओविपेरस। ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं, विच विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर लार्वा फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके की लार्वल फॉर्म्स होती हैं, तो जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं किससे? अडल्ट फॉर्म से। हेयर इज द फिगर,
एज यू सी इन द फिगर हेयर आर आई स्ट्रक्चर और हेड रीजन, दिस इज मस्कुलर फुट रीजन एंड द ओवर ओवर द टॉप रीजन इट इज वट इज द कैलकेरियस शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज मेंटल रीजन दैट इज द स्पॉन्जी लेयर एंड इनसाइड द विसरल हम विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. बेसिकली विसरल ऑर्गन में क्या है, इंसेस्टाइन है. क्या है, इंसेस्टाइन है. एंड लास्ट द फेदरी गिल्स विच हैज टू मेजर फंक्शन दैट इज रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन. And this area is reason is known as mental cavity and mouth contain a specialized structure known as radula that is a file-like grasping organ. Mollusca are mainly classified into three types: scaphopoda, gastropoda, and cephalopoda. Scaphopoda. Scapho means boat or pod means foot. These are animals boat like foot. Shell is tubular and open at both the ends. जो इनकी shell होती है वो कैसी होती है, दोनों तरफ से open होती है दोनों ends के. इसका example क्या है, dentalium, जिसको हम क्या कहते हैं, tusk shell भी कहते हैं, जो कि हाथी का दांत जैसा होता है वैसा दिखता है dentalium. Next is gastropoda. Gaster means belly or pod means foot. तो इनको किस नाम से बोला जाता है, ग्रेस्टोपोडा. शेल इज मेड अप ऑफ वन पीस. जो इनकी शेल होती है वो खाली सिंगल वन पीस से बनी हुई होती है. इनके अंदर एक स्पेशलाइज तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ओपन टाइप का होता है. और इसके एग्जांपल क्या है, पायला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं कॉमनली, एप्पल स्नेल के नाम से. नेक्स्ट इज सिफेलोपोडा. Cephalo means head and pod means foot. Head and foot region are combined and modified into a structure which has eyes and a tentacle. जिनका head और foot region होते हैं वो combined हो जाता, combined form करके एक structure बनाता है जिसके अंदर क्या होता है, इनका brain, eye और eight tentacles होते हैं. और इनके अंदर किस तरीके का circulatory system होता है, closed type of circulatory system होता है. इनके अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं, ऑक्टोपस एंड सेपिया. लास्ट एग्जांपल्स एंड हियर आर द एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर वन इज पायला दैट इज एप्पल स्नेल. एग्जांपल नंबर सेकंड इज पिंक टाड़ा दैट इज पर्ल ऑयस्टर. इनके अंदर जो मोलस्क होते हैं, ये पिंक टाड़ा जो कि पर्ल ऑयस्टर है, इनके अंदर एक स्पेशलाइज प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शेल एंड पर्ल फॉर्मेशन इन ऑयस्टर. तो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होती है, जो सैंड आती है इनकी बॉडी में उसके ऊपर ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बाय लेयर क्या होती है, चढ़ती रहती है, जिसकी वजह से एक पर्ल का फॉर्मेशन होता है. और इसीलिए इस पर्ल ऑयस्टर को क्या करा जाता है, इसकी फार्मिंग करी जाती है जिसे हम बोलते हैं पर्ल फार्मिंग. उसमें किसका नाम यूज, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट मोलस्क जिसका यूज करा जाता है पर्ल फार्मिंग में, दैट इज पिंक टाड़ा. नेक्स्ट इज सेपिया, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, कटल फिश. बट रियलिटी में ये कोई फिश नहीं है, बस इसका कॉमनली नेम क्या दे दिया गया है, फिश दे दिया गया है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कटल फिश. नेक्स्ट इज लॉलीगो दैट इज आल्सो नोन एज जायंट स्क्विड. ये क्या है, बहुत ही बड़ा है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है. इनवर्टिब्रेट कौन होती है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती. तो रीढ़ की हड्डी जिनके पास नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं. और इनवर्टिब्रेट में भी सबसे लार्जेस्ट है लॉलीगो. ये इसी को नाम क्या बोलते हैं, जायंट स्क्विड. और इसका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वेल डेवलप है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप है. नेक्स्ट इज ऑक्टोपस. इसको डेविल फिश कहते हैं. क्या कहते हैं, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ये ऑक्टोपस, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल किसकी तरह होती हैं, डेविल की तरह होती हैं, जैसे एक डेविल की हरकतें होती हैं. और इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज फीचर्स होते हैं. इसके जो हेड रीजन होता है उसके अंदर इसके पास क्या होते हैं, 9 ब्रेन्स होते हैं. और क्या होता है, हार्ट कितने होते हैं इसके पास, 3 हार्ट्स होते हैं. और जिसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन पिगमेंट नॉन एज हीमोसाइनिन. अब हीमोसाइनिन का कलर ब्लू क्यों होता है ऑक्टोपस के अंदर, वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है कॉपर. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज एपिलेप्सिया दैट इज सी हेयर. इसको क्या कहते हैं, हम सी हेयर के नाम से जानते हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है, बिल्कुल हेयर की तरह दिखता है, बट ये रियलिटी में है नहीं सी
हेयर नहीं है, बस कॉमनली इसको इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डेंटेलियम, दैट इज टश सेल। ये कैसा दिखता है? बिल्कुल हाथी के दांतों जैसा दिखता है, टश शेल की तरह, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टश शेल। नेक्स्ट इज चीटोप्लूरा, दैट इज काइटन, जिसको हम काइटन के नाम से जानते हैं। हेयर आर द फिगर्स विच इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट फिगर इज पायला, दैट इज एप्पल स्नेल, एंड सेकेंड फिगर इज ऑक्टोपस। एज यू सी इन द फिगर, द ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास सिफेलोपोडा। दे हैव अ सिफेलिक रीजन, द हेड रीजन, एंड अ लार्ज आई एंड 8 टेंटिकल्स। अब इसके पास एक स्पेशल फीचर भी होता है, कैमोफ्लेज नेचर होता है इसके पास। ये क्या करता है, अपने बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाता है। क्या होता है, जैसा बैकग्राउंड है वहां पर ब्लेंड हो जाता है। क्यों ऐसा करता है ये? क्योंकि इसे क्या करना होता है, अटैक करना होता है प्रे पे, और जैसे ही अटैक करता है प्रे के ऊपर, ये अपने इंक ग्लैंड से क्या छोड़ता है, इंक छोड़ देता है। अब इसके लिए कोड है सारे मेंबर्स के, जो जितने भी मेंबर हैं फाइलम मोलस्का को, उनको रिवाइज करने के लिए कोड है। पी स्क्वायर मॉल से एलियन मूवी की डीवीडी लो और चलाओ अक्टूबर में। तो पी स्क्वायर, फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पायला एंड सेकंड पी स्टैंड्स फॉर पिंटाडा। नेक्स्ट इज मॉल से, मॉल यहां पर कुछ नहीं है, एस ई से है सेपिया। नेक्स्ट इज कटल फिश, दैट इज सेपिया। देन एलियन मूवी में ए जो स्टैंड है एलियन, वो है एपिलेप्सिया के लिए, दैट इज सी हेयर। अब यहां पर मूवी की डीवीडी, अब मूवी की यहां पर कुछ नहीं है, डीवीडी में क्या है, फर्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डेंटेलियम, दैट इज टस्क सेल। ले आओ, ले आओ, ले आओ मतलब ले में क्या है, लॉली गो, दैट इज जायंट स्क्विड। और चलाओ, चलाओ में क्या है, सी एच, तो चलाओ में क्या बोल सकते हैं हम, चीटोप्लूरा और काइटन। अक्टूबर में, तो अक्टूबर में क्या हो गया, ऑक्टोपस, दैट इज डेविल फिश। और एम से क्या हो गया, ये सारे क्या है, मोलस्क, फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं। अगर आप लोग ऐसे ही नीट के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।